नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवा रहे हैं जिसने 30,000 रुपये से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था और आज उस बिज़नेस से लाखों रुपए वो कमा रहा है। आजकल हर नौजवान के दिमाग में ये है कि छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता है जॉब पर सैलरी से गुजारा नहीं होता। तो एकदम मुझे ये, तो आपकी जो एक कामयाबी है, क्या इसके पीछे वजूहात है? आपने सिर्फ 30,000 रुपये से अपना कारोबार स्टार्ट किया और आज आप उसी कारोबार से 30,000 रुपये क्या लाखों रुपये कमा रहे हैं। बेसिकली ये जो बिज़नेस है ये है एग्जॉटिक और फैंसी पोल्ट्री का ना, और ये काफ़ी ट्रेंड के अंदर इस टाइम पे बिज़नेस लाइन में और शौकी लाइन में भी काफ़ी अच्छी चीज़ है ये पाकिस्तान के अंदर। अगर आप इसके अंदर सिंगल इन्वेस्टमेंट करते हैं 8 to 10,000 की मिनिमम, तो इसका मल्टीप्लाई बाय 2 अर्न कर सकते हैं ना। यानी अगर आपने 8,000 रुपये का चूज़ा लिया है तो आफ्टर 4 to 5 months वो आपका 50,000 तक बन जाता है। अच्छा, नौजवान नस्ल है, अब एक मेरे जैसा नौजवान अगर उसके पास 50 से 60,000 रुपए हैं तो आप क्या मशवरा देंगे उसको कि वो कैसे इस कारोबार के अंदर आ सकता है? देखें, अगर वो हमसे मुलाकात करता है तो हम उसको प्रॉपर गाइड करेंगे, लेकिन इसके अंदर उसकी अपनी दिलचस्पी होना भी बड़ी ज़रूरी है। अगर वो दिलचस्प किसी और चीज़ में रखता है और ये कर रहा है सिर्फ पैसे के लिए, तो फिर मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, अभी आपके पास कौन कौन सी ब्रीड मौजूद है और इसके अलावा कितनी तादाद है आपके परिंदों की? मेरे पास इस टाइम पे अच्छी खासी ब्रीड्स मौजूद हैं और काफ़ी रेयर एंड एग्जॉटिक ब्रीड मौजूद हैं मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे पोल्ट्री की सबसे महंगी और यूनिक और रेयर और एग्जॉटिक ब्रीड वाइट पैरेट बीक लॉन्ग टेल इंडियन, ये इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, जिसको आप वाइट मर्सिडीज़ भी कह सकते हैं इस पोल्ट्री की फील्ड में। इसके अलावा हमारे पास शामूज हैं, जर्मन शामूज हैं, जापनीज शामूज हैं, फिर हम फैंसी पोल्ट्री की तरफ आते हैं, डोंग टाउज हैं, वाइट सियामी हैं, वाइट आयाम सिमानी हैं, और इसके अलावा वॉरवर्क वगैरह काफ़ी सारी ब्रीड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ब्रीड तो दिखाएँ कौन कौन सी आपने रखी हुई है। जर्मन ओ शामूज हैं, ये देखें इसके पैर में रिंग भी आपको दिखेगा मेल के। ये इस टाइम पे मेरे ख्याल में जो ये ट्रायो सेट होगा वो 2 to 2.5 lakh का होगा। ये हमारा आता है किंग साइज ब्रीडर और ये काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी के अंदर ब्लैक एंड ब्लू ओ शामूज हैं। इसका रिंग भी देख लें आप, 2020 की इम्पोर्ट है ये और बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी के अंदर ये मेल है माशाल्लाह। इसकी अगर आप ये ट्रायो सेट अगर इस टाइम पर लें तो वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 3.5 to 4 lakh का कॉस्ट करेगा। ये वाइट पैरेट बीक लॉन्ग टेल असील है, ये इंडियन इंपोर्ट है और इस टाइम पे इसकी जो वर्थ चल रही है पाकिस्तान में वो 0.7 to 8 million है। ये अप्रॉक्सीमेटली 8 months का होगा, ये भी ऑलरेडी सोल्ड है अलहमदुल्ला। ये एक और माशाल्लाह ट्रायो सेट है इंडियन पैरेट बीक लॉन्ग टेल असील वाइट का, तो ये अलहमदुल्ला इंशाल्लाह मेरा ब्रीडिंग बर्ड होगा। अच्छा, और इन फ्यूचर इनके आपको चिक्स वगैरह प्रोवाइड हो जाएंगे। इस ट्रायो सेट की भी तकरीबन 1.5 मिलियन के राउंड अबाउट है। ये एक और पेयर है वाइट पैरेट भी एक लॉन्ग टेल असील का। अगर आप गौर करें तो इसकी जो चोंच है वो तोते की तरह है। क्या पैगाम देंगे नौजवान नस्ल को, खास तौर पे कराची की? वैसे अगर देखा जाए तो हमारे नौजवानों में कोई काम करने का जज्बा तो थोड़ा कम है, तो अगर वो इंटरेस्टेड हों और चाहें तो वो 30,000 से, जैसे मैंने शुरू किया था, 30,000 से कर सकते हैं और एक अपना अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं ना। अच्छा, तो ये थे किंग शामू के ओनर और उनकी जानिब से यही कहा बताया गया है और कहा गया है कि अगर कराची का कोई नौजवान इस बिज़नेस में आना चाहता है तो हमसे रابطہ करे, हम उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स भी देंगे और एक अच्छा मशवरा भी देंगे। कैमरा मैन इसाक अहमद और आसिफ कमर के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM News की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।